हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के आज के हमारे नए एपिसोड में आप सभी बिगिनर्स का स्वागत है। और मेरे चैनल जो यूट्यूब चैनल बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये सोचकर बनाया हूँ, ये हमारे बिगिनर्स जो हैं जो रॉड फिशिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये अपना ये चैनल शुरू किया है। क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े प्रो एंगलर्स हैं जो कि फिशिंग रॉड फिशिंग की जानकारी आपको देते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जो बिगिनर्स हैं जो रॉड फिशिंग की तरफ आना चाहते हैं, रॉड रील वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उसको ख़रीदने के बाद उसको कैसे यूज़ करें, इसके बारे में बहुत जो हमारे बिगिनर्स हैं वो कन्फ्यूज़ हैं। उनको लगता है कभी कभार कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है रील वगैरह, जो फिशिंग का जो मशीन बोलते हैं, कोई कोई उसको एक्चुअल उसको रील हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का ये जो हमारा एपिसोड है उसके ऊपर बेस्ड है। और ये उम्मीद है कि आज के बाद मेरे ख्याल में आप जब रॉड रील खरीद लोगे तो आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और बने रहें हमारे साथ, आगे हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप एक नए रील रॉड को ख़रीदने के बाद कैसे उसको आप असेंबल कर सकते हैं। जब आप एक नया रॉड ख़रीदते हो, मार्केट में बहुत से रॉड्स अवेलेबल हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम ब्रांड की तरफ हम जाते हैं तो बड़े ब्रांड है वो है शिमानो, उसके बाद आपका पेन बहुत अच्छा ब्रांड है, और उसके बाद डाइवा, ये तीन बड़े जो ब्रांड है। और इसके बाद मार्केट में आप जब रॉड रील वगैरह ख़रीदने जब जाते हो तो मार्केट में अगर कम दाम कम रेंज जो बिगिनर्स हैं वो कम दाम में ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्केट में अभी फ़िलहाल जो है लुकाना बहुत अच्छा एक ब्रांड बनकर आया है सामने। लुकाना के साथ साथ पायोनियर है, पायोनियर के साथ साथ आपको ओकुमा के कुछ अच्छे रील्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मेरे पास जो ये फ़िलहाल है ये है यू प्रो का ओशन ब्लू 7.8 फीट का रॉड, ये पॉपिंग रॉड है। और कैसे इसको फिक्स करना है, बट जॉइंट टू पीस रॉड है, इसको कैसे इसको इसमें आप लगाएंगे, कैसे इसमें आपको रील लगाना है ये आपको मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप जब रॉड ले लेते हो तो दो पीस में पॉपिंग रॉड, अमूमन आपको टू पीस रॉड मिलेगा, और जब पॉपिंग रॉड आप उसको आप लगाते हो तो देखना है ये आपका होता है गाइड, ये होता है आपका जो है गाइड, ये गाइड जो है ये रील यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जब ये गाइड है, जब इसके सामने मैं एक रॉड को लगाता हूँ, ये रॉड जब आप लगाओगे तो ये जो लाइन गाइड है, ये जो लाइन गाइड देख रहे हो आप, ये जो लाइन गाइड है सीधा इस गाइड के सीधे सामने ही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे हिसाब रख दें कि कंधे के ऊपर रख दें, देख लें क्या ये गाइड जो रील गाइड के सीधे सामने क्या लाइन का गाइड जा रहा है। तो जैसे ही आपको लगता है हाँ ठीक हो गया है, ये लाइन एकदम एग्जैक्ट है, एकदम राइट बहुत सीधा है, तो आप क्या करें बस उसको हल्का सा टाइट कर दें। ये जो रॉड है ये वैक्यूम प्रेशर से वैक्यूम से लॉक होता है और बहुत अच्छा फिक्स होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रील कैसे लगाना है, ठीक है। जब आप अब मेरे पास ये रील है शिमानो सारागोसा 14,000 XG एक्स्ट्रा गियर, बहुत ही पावरफुल रील है ये फॉर पॉपिंग, जिगिंग भी कर सकते हैं इससे। 10,000 सीरीज में अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा जिगिंग कर सकते हैं, 14,000 बेस्ट फॉर पॉपिंग एंड ट्रॉलिंग। तो क्या करना है, जो गाइड के बारे में बताया था मैंने, ये जो गाइड है रील गाइड, आप इसको यहाँ पर ऐसे लगा दें, हल्का सा इसके अंदर भीतर पुश कर दें। पुश करने के बाद ये जो गाइड को टाइट करने वाला का आप देख सकते हैं, इससे आप इस गाइड को पूरी तरीके से टाइट कर दें तो ये पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद करना ये है, ये मैंने जो ये रील है, ये रील को ये रील के सामने मैंने एक लीडर बांधा हुआ है, और ये लीडर जो है तकरीबन 100 LB का है, इसमें जो ब्रेड है वो 80 LB का है और जो लीडर है वो 100 LB का है। तो आप जब इसको इस गाइड के अंदर से जब इसको आप गुजारोगे तो ध्यान में ये रखना है कि ये इसको कहते हैं हम बेलाम, ये रील का बेलाम होता है, और ये बेलाम को पहले आउट कर दें, यानी कि रील से जब आप लाइन निकालोगे तो बेलाम के ऊपर से निकलना होगा, यानी कि बेलाम के साथ एक पुल्ली दिया जाता है,
जिससे ये लाइन गुजरता है। आप देखे देखोगे जब आप लाइन को निकालते हो गाइड के लिए, तो ये जो एरिया है इसके अंदर से लाइन को लाएं, तभी जाकर उसके बाद देखें, उसके बाद हर एक गाइड से आपको लाइन गुजारना है, हर एक गाइड से आपको लाइन गुजारना है। अगर आप पॉपिंग रॉड देखोगे तो पॉपिंग रॉड के जो गाइड्स होते हैं वो बड़े बड़े गाइड्स होते हैं, और आप रॉड के टिप तक आप अपने इस लाइन को गुजार लें। ये हो गया है, यानी कि हमने ये जो रॉड है रॉड के साथ ये रील हमने लगा दिया है, और रील लगाने के बाद जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे रहेगा, जैसे ही आप बेलाम बंद करते हो तो बेलाम के अंदर से ये लाइन गुजरता है, इसके अंदर से लाइन आपका गुजरता है, जैसे मैंने हर एक गाइड के अंदर से मेन लाइन को गुजारा है। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं जो रॉड फिशिंग के बारे में जानते नहीं है, उनका ये ख्याल है कि फिश लग जाता है तो ऑटोमेटिकली जो रील है वो फिश को अपनी तरफ लाता है। ये गलत है पूरी तरीके से, ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। जब फिश आपको बाइट कर लेता है आप रॉड रील में, तो फिश को लाने के लिए आपके पास एक हैंडल दिया जाता है रील में, तो जैसे फिश लग जाता है तो आपको ये हैंडल को घुमाना है। तो ये जो मैं हैंडल है, और रही बात ये फिशिंग करने से पहले ये जो है ये इसको बोलते हैं ड्रैग नोब, और ये जो नोब है जैसे हम लोग हाथ हैंडलाइन खेलते हैं, हैंडलाइन में होता ये है कि हम बड़े फिश अगर लग जाते हैं तो हाथ को दबा दबा कर हम लाइन में एक टेंशन क्रिएट करते हैं, एक दबाव बनाते हैं लाइन में, तब जाकर वो फिश थकता है। वैसे ही इस रील में एक पावर नोब, माफ़ करें, जो ड्रैग नोब दिया जाता है, आप जितना इसको टाइट करोगे आपका ड्रैग उतना टाइट होगा, और आपको पहले अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आप ओपन सी में जब फिशिंग करते हो या मैंग्रोव्स में फिशिंग करते हो तो वहाँ कितने बड़े फिश होने की संभावना है, ये आपके पहले आपको दिमाग में सोचना है। यानी कि मैं ये जो पॉपिंग रॉड है अमूमन मैं जीटी और टूना के लिए जो बड़े स्पीसीज़ हैं जो पैलाजिक स्पीसीज हैं उनको ट्राई करने उनको कैच करने के लिए पॉपिंग रॉड यूज़ करता हूँ, तो उनके पास गज़ब की ताकत है खास करके जीटी की। तो आप मैं एक ऐसा ड्रैग सेट करता हूँ जिससे कि फिश पहले ही रन में पहले ही दौड़ में वो थक जाए, तो ज़्यादा ड्रैग टाइट नहीं करता हूँ, ज़्यादा ड्रैग टाइट करने से भी लाइन टूटने की संभावना ज़्यादा है। तो ये रही बात एक रॉड को कैसे हमको लगाना है, अगर टू पीस अगर रॉड है तो उसको कैसे लगाना है ये हमने आपको बता दिया, रील को कैसे इसमें लगाना है ये हमने आपको बता दिया, और रील से लाइन को गाइड के अंदर कैसे लेना है ये भी हमने आपको बता दिया। अब एक चीज़ रही नहीं, एक चीज़ ये है कि आप लीडर, आपने लीडर ले लिया, लीडर लगा दिया है ब्रेड के सामने, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ साइज़ टू का स्नैप, ये स्नैप है और ये मस्टर्ड का है, बहुत अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बीएमसी के हैं, लुकाना के हैं, अलग अलग कंपनी इसको बनाते हैं, और मैं मस्टर्ड यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो ये स्नैप है जिसको हमको इस ये जो स्नैप है ये साइज़ टू का है, और इसमें ये सिविल है इसमें, यानी कि जब आप लूर में इसको लगाते हो तो ये घूमता है फ्रीली, तो इसको स्नैप को लगाने का बहुत अच्छा ये तरीका है कि आप ये मेन लाइन को ले लें, मेन लाइन को स्नैप के अंदर से गुजारें, उसके बाद आप देख सकते हैं यानी ये ऐसे है, इसके बाद स्नैप को आप पकड़ लें, और ये जो लाइन है जो छोटी वाली लाइन है उसको मेन लाइन के ऊपर से ऐसे घुमा दें, कम से कम 5 बार घुमा दें, और ये जो खाली जगह है इसके अंदर से इसको आपको गुजारना है, गुजारने के बाद वापस इसके अंदर ले लें, हल्का सा दांत में पकड़ लें और टाइट कर दें, यानी कि ये आपका हो गया है
स्नैप को बांधने का तरीका। और जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये मेरे मोबाइल से बनाता हूँ, उतना जैसे बहुत बड़े प्रो एंगलर जो है प्रोफेशनल गोप्रो वगैरह यूज़ करते हैं मेरे पास वो है नहीं। तो अब मेरे जो मैंने जो नॉट बांधा है अब इसको रिवाइंड करके ज़रूर एक मरतबा देख लें, स्लो करके भी देख लें, यानी कि ये हमारा हो गया है। यानी कि आप इसको क्या करें, यहाँ से कट कर दें, कट करने के बाद में आप इसको लाइटर से जला दें। और आगे हम पॉपिंग कैसे करते हैं या कास्टिंग कैसे करते हैं और बड़े पॉपर्स कैसे मारते हैं और जो छोटे मीनोस जो हैं वो जो हमारे जो स्पिनिंग सेटअप है, ये जो हमारा पॉपिंग सेटअप है और स्पिनिंग सेटअप से कैसे आपको लूर कास्ट करना है और कैसे उससे एक्शन आपको देना है ये आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहें फ्रेंड्स। जब आप पॉपिंग करने जाते हो तो हाथ में एक ग्लव्स ज़रूर पहने, एक अच्छा क्वालिटी का ग्लव्स पहने, क्योंकि आपको उंगली से आपको लाइन को पकड़ना पड़ता है जब आप रॉड से लूर को कास्ट करते हो। तो मैंने स्नैप लगा दिया है और स्नैप का फ़ायदा ये है कि आप ये स्नैप से बहुत जल्दी आप लूर को चेंज कर सकते हो। आप पॉपर बहुत देरी पॉपर मार रहे हो, उसके बाद पॉपर जो मैं आपको दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि पॉपर ये लूर ऐसा है कि इसका जो फेस है ये आधा कटा शेप में रहेगा और उसके अंदर में एक पानी को पकड़ने का एक अच्छा स्पेस है इसके अंदर। जब ये लूर आप कास्ट करते हो, पॉपर कास्ट करते हो, तो पानी में यूं गिरेगा। जब आप उसको रिट्रीव करते हो, रिट्रीव यानी आप रील को जब हैंडल के साथ घुमाते हो उसको रिट्रीव बोलते हैं। जब आप इसको लाते हो पानी के ऊपर से, ये फ्लोटिंग है, ये फ्लोट होकर ही आएगा और इसके बीच का जो इस फेस में यानी कि जो फ्रंट एरिया है यहाँ पर पानी पकड़ता है, तो उसको भी मैं बताऊँगा और कास्ट कैसे करना है ये भी बताऊँगा। तो ये मैंने स्नैप लगा दिया है और अब स्नैप के जो बाहर हिस्सा निकला है उसको इस लूर के अंदर देखें आप, एक ऐसा एरिया है जहाँ से आपको ये स्नैप को गुजारना है, बड़ा आसान है। और उसके बाद ये स्नैप को आपको लॉक करना है, हो गया ये। अब उसके बाद ये पॉपर मैंने लगा दिया है, लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको करना ये है कि आप ड्रैग को देख लें एक बार, ये जो ड्रैग है अब ज़रा सा ढीला है तो इसको क्या करें, ज़रा सा टाइट कर दें, ये परफेक्ट है। अब मैं बताऊंगा कि कास्ट आपको कैसे करना है, ज़रा जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे एक रॉड को आपको पकड़ना है। सबसे पहले देखें कि ये जो मेन लाइन है यानी ये लीडर है, रॉड फिशिंग का जो गणित है वो ये बोलता है कि जितना लंबा आपका रॉड होगा उतना लंबा आपको लीडर बांधना ज़रूरी है। अगर आप लीडर हमेशा से ब्रेडर लाइन की रखवाली करता है और बॉडीगार्ड है तो आप जब कास्ट करते हो तो ये उंगली जो है आपका जो ये फिंगर है, इस फिंगर से आप क्या करें, ये जो मेन लाइन है इस मेन लाइन को पकड़कर सीधा रील के हैंडल तक लेकर आ जाएं। रील का जो मेन हैंडल है और एक बार देख लें, यहाँ से पकड़ लें, पकड़ के सीधा यहाँ पर ला कर रोक दें। कोशिश करें कि आपका जो ये जो बेल आर्म है, बेल आर्म का जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जहाँ से लाइन गुजरता है, यहाँ एक बेरिंग है ये, जहाँ से लाइन गुजरता है उसको रॉड के हैंडल की तरफ सीधा में रखें। और उसके बाद इस वाले हिस्से को यानी कि मेन लाइन को आपको यूं लेना है रील के हैंडल तक, और उसके बाद आपको क्या करना है, बेल आर्म को खोलना है। ज़रूर याद रखें कि ये बेल आर्म को अगर आप नहीं खोलोगे तो रील से आप कास्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, बेल आर्म मैंने खोल दिया और उसके बाद आप देखें कि ये जो लूर है, ये जो हमारा जो मेरा जो रॉड है, रॉड से ये लूर आप जितना लंबा छोड़ोगे, सोचिए मैं ज़रा छोड़ देता हूँ और मैं इतना छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा से वही पोजीशन में आए, ग्लव ज़रूर पहने, मैंने इतना छोड़ा और उसके बाद इस लाइन को रील के हैंडल तक, रील का जो मेन जो हिस्सा है जो रॉड के गाइड में जो जिसको मैंने लगाया हुआ है उस हिस्से की तरफ पकड़ें, इसके बाद बेल आर्म को खोल दें।
सिंपल है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉड को जब आप कास्ट करते हो, लूर को जब आप कास्ट करते हो, तो हैंडल के डाउन साइड बॉटम में पकड़े, नीचे इसके हिस्से में, और बेल आर्म आपका खुला हुआ होना बहुत जरूरी है। बेल आर्म अगर आपने नहीं खोला है तो आपको चोट, गंभीर चोट लग सकती है, तो ध्यान जरूर रखें कि बेल आर्म आप खोलें। बेल आर्म खोलने के बाद में रॉड के निचले हिस्से में पकड़े, और इसके बाद आप जब कास्ट करते हो, जब आप कास्ट करते हो तो पोजिशन आपका जो लेफ्ट पाँव है वो जरा सा आगे रख दे, वो आपको एक फोर्स के लिए, इसमें आपको ताकत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकत सिर्फ आपके रॉड के टिप के ऊपर लगेगा, यानी कि आप उसको जितना लचका कर फेंकोगे, जितने आप उसको लचीले अंदाज में फेंकोगे, उतना दूर आपका लूर कास्ट होगा। यानी मैंने इसको पकड़ा है रॉड के निचले हिस्से में, और ये जो फिंगर है मेरा मेन लाइन के ऊपर ही है, बेल आर्म खुला हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से कास्ट करता हूँ। जब आप कास्ट करते हो, जब इस वाले पोजीशन में आपका जो रॉड पहुँचेगा इस वाले, तो आपको एक हल्का सा फोर्स लगाना पड़ता है, तब ये लूर बहुत लॉन्ग रेंज में कास्ट होगा। तो आपको मैं बताता हूँ, आपने लूर लिया, बेल आर्म आपका खुला हुआ है, और बेल आर्म के बाद आपने लाइन को, मेन लाइन को पकड़ा हुआ है, उसके बाद हैंडल के नीचे आपका लेफ्ट हैंड है, और मैं राइट हैंडेड हूँ, इस वजह से मैं लेफ्ट हैंड को यहाँ पकड़ता हूँ। उसके बाद मैं जब कास्ट करता हूँ, आपका लूर जितना वजन आपका लूर में होगा, आप उतना लॉन्ग कास्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना ही है, पॉपिंग का टेक्निक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बेल आर्म को ऑफ करना है, और उसके बाद जब आप पकड़ते हो, ये हिस्सा जो है आप अपने लेफ्ट हाथ के नीचे की तरफ रख दें। उसके बाद, क्योंकि ये जो पॉपर है वो पानी में फ्लोट होते रहता है, वो डूबता नहीं है। उसके बाद अब पानी की तरफ अगर देखोगे, पॉपर क्या करता है, पॉपर जो है पानी में कुछ इस प्रकार से आएगा, और आपका जो रॉड का जो पोजीशन है वो आपको ऐसे रखना है। दो तीन तरीके से आप पॉपिंग कर सकते हो। इस तरीके से होता यह है कि जब पॉपर पानी के ऊपर से आता है, तो लगता है जो बड़े बड़े स्पीसीज जो होते हैं, जो रिवेलीज होते हैं, जो टूना वगैरह होता है, उनको लगता है कि कोई फिश जो है चोट खाया हुआ है, कोई बेट जो है चोट खाया हुआ है, तब वो नीचे से आके उसको पकड़ता है। और एक बार रिपीट आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना वजन आपके लूर में होगा, उतना लॉन्ग आप कास्ट कर सकते हो। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यानी कि आप जब उसको कास्ट करते हो, तो जैसे ही इस वाले पोजीशन में पहुंचता है, तो आपको कास्ट करना पड़ता है। यानी कि उसी वक्त आपको अपने जो फिंगर्स है, जिसको आपने लगाया हुआ था, पकड़ा हुआ था, उसको आपको रिलीज करना है। अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आपका लाइन नहीं जाएगा। और पॉपिंग करने का बहुत तेजी से करने की जरूरत नहीं है। जो नीचे जो फिश होता है, उसको लगना चाहिए कि कोई फिश जो है चोट खाया हुआ है, और उसको देखते हुए जो बड़ी फिश है वो आकर आपके लूर को पकड़ेगा। तो अब चलते हैं हम स्पिनिंग सेटअप की तरफ। ये आपका हो गया पॉपिंग। पॉपिंग में आप बड़े बड़े पॉपर्स, यानी कि जिसका सरफेस बहुत बड़ा है, बहुत पानी ज़्यादा पकड़ता है, तो उसको अगर आपको पॉपिंग जब करते हो, तो आप इस वाले पोजिशन में आपको उतनी ताकत मिलेगी नहीं। तो आपको करना ही है, आप अपने रॉड को अपने पेट वाले हिस्से में रख दें, बेल आर्म ऑफ कर दें, ज़रा सा टाइट कर दें। जैसे ही वहाँ पर लूर, आपका लूर के साथ लाइन का टेंशन बनता है, तो उस दौरान आप कुछ ऐसे तरीके से, मैं बात कर रहा हूँ बड़े पॉपर की तरफ, जब आप बड़ा पॉपर यूज़ करते हो उसके लिए, तो ये पॉपर, तो बस मैं आपको यहाँ पर इस वाले हिस्से में, मैं पॉपिंग करने आता नहीं हूँ यहाँ पर, उतनी बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिशिंग होता है, इस वजह से यहाँ पर फिश नहीं है। तो आपको बस सीखने के लिए मैं यहाँ इस लोकेशन में आकर ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा हमारा जो स्पिनिंग सेटअप है, और स्पिनिंग सेटअप को कैसे कास्ट करना है, बड़ा सिंपल है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरा स्पिनिंग सेटअप है, यानी स्पिनिंग सेटअप जब आप ख़रीदने जाते हो, तो
जैसा मैंने कहा है कि अगर ब्रांड की तरफ आप जाओगे तो शिमानो है, पेन है और डाइवा है, तीन बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में। और शिमानो की बहुत अच्छी सर्विसिंग है इंडिया में, तो शिमानो रील्स और पेन के रॉड्स आप खरीद सकते हो। और उसके साथ साथ जो बिगिनर्स हैं, जो जिनका बजट 5,000 में आप सब कुछ खरीदना चाहते हैं 5 से 6,000 में, तो आपको मार्केट में इंडिया में अब मिल जाएगा। लुकाना है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं लुकाना, और उसके साथ साथ में पायनियर है, पायनियर के साथ साथ में डाइवा के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक वाजिब दाम में आपको ख़रीदने में कोई भी मुश्किलें नहीं आएंगी। यानी कि इसमें आप रील भी खरीद लोगे 5-6 हज़ार रुपये में, रील रॉड और साथ में आप उसके अंदर के जो लाइंस हैं उसको ख़रीद सकते हो। और इसमें अब ये स्पिनिंग सेटअप है जिसका ये टू पीस है, यानी यहाँ से दो हिस्से में बंटता है, यानी ये टू पीस रॉड है, उसको मैंने सेडोना 5000 सीरीज़ के रील के साथ लगाया हुआ है। और अब मैं जो इसमें जो लूर कास्ट करता हूँ, ये रपाला का मैग्नम प्रे है, और बहुत ही अच्छा ये लूर है, और 49 ग्राम तकरीबन है। और जब आप इसको कास्ट करते हो रॉक एरिया में, शैलो वाटर्स में जहाँ पर पानी कम है, वहाँ पर आप जब कास्ट करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए इसको कास्ट करते हैं, कुछ हमारे जो ओपन सी एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने की तरफ कुछ बेट बॉल नज़र आ रहा है, और शाम का वक्त है, तो क्या करता हूँ कि मैं उस पर कास्ट करके देखता हूँ। बड़ा आसान है, आप देखें कि मैंने क्या किस पोजीशन में इसको पकड़ा हुआ है, बड़े आसान बड़े आराम से आप इसको रिट्रीव करें, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लूर कास्ट करते हो, जैसा मैग्नम प्रे जैसा आप लूर जब यूज़ करते हो, तो डूबने दें और हल्का हल्का रिट्रीव करें। अगर कोई ट्रिवेली वगैरह है तो ज़रूर आपको बाइट करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है जो बिगिनर्स हैं उनको आज का ये एपिसोड देखने के बाद रॉड रील ख़रीदने में और उसको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, इसकी मुझे बहुत उम्मीद है। और जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैंने जब ये चैनल शुरू किया, चैनल शुरू करने के ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तकरीबन 2 महीना, और मुझे लगा नहीं कि मेरे भी कुछ 300 सब्सक्राइबर रहेंगे, और उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे। और क्योंकि मेरा जो टोटली ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये बिगिनर्स के लिए डेडिकेटेड है, और जो बिगिनर्स हैं जो रॉड रील फिशिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको ये मेरा जो एपिसोड है उनके लिए ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सजेशन, कुछ कमेंट्स वगैरह आप अगर देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए शब खैर।